अपने हरियाणा की नुमाइंदगी हमने कमजोर दिखाई दी है। और बहुत से हमारे भाई भी वही थे, दिल्ली टिकरी बॉर्डर पे रात को पहुंच गए थे। मेरा निवेदन एक और है, वो अपने देशी भाई आज भाषा में गया करे, समिति का गठन होना जरूरी है, जो के घटनाक्रम चल रहा है और बुद्ध जी समझ रहे हैं उसको रोकने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। शब्दों के माध्यम से अगर कोई गलती अपने बच्चे समझ के माफ करना। जय हिंद, जय किसान। धन्यवाद भगत साहब। अब नैन साहब, दो मिनट में अपने विचार रखेंगे। नैन साहब जोगिंदर नैन जी, एक बार जोगिंदर नैन जी के लिए जोरदार तालियां। और आपसे माफी चाहेंगे जोगिंदर नैन साहब, क्योंकि आपसे थोड़ा सा पहले हमारा जो नन्ना सा क्रांतिकारी युवा साथी है केशव, बिल्कुल ये वो लड़का है जो गांव धनाड़ा से भाई तारे से, उनकी मम्मी जी, उनका पापा और उनका लड़का, चार पीढ़ियां इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए टिकरी बॉर्डर पर डटी हुई है। एक बार नन्हे साथी के लिए जोरदार तालियां। और आपके बीच में केशव बरगर। धन्यवाद छोटे क्रांतिकारी का। अब मैं साहब से अनुरोध करूंगा, वो दो मिनट अपनी बात रखे। जोगिंदर नैन जी, ये किसका रुक रहा है? सबसे पहले मेरे जैन जिला के अपने हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आए हुए मेरे पिता श्रीमान दिग्विजय सबको मेरे तो आज कोई भाषणबाजी का समय नहीं है। मेरे नौजवान युवा साथियों का जो आज प्रोग्राम मेरे अपने जैन जिले के खास करके नौजवान युवा साथियों की तरफ से रखा गया है, मैं उनके हौसले को सलाम करता हूँ कि आज से ये पहले बार प्रोग्राम नहीं हुआ, ये नौजवान युवा साथियों की वजह से ही ये हमारा 11 महीने का जो किसानी संघर्ष है वो लगातार, जो मेरे छोटे भाई गांव के जो दूध चाय लस्सी लेकर घर घर से लेकर के नौजवान युवा साथियों का सहयोग की वजह से सारा ये आंदोलन का श्रेय मेरे नौजवान युवा साथियों का, और इन्हीं की वजह से हमारे संघर्ष को ये लंबा बल मिला। और जो नौजवान युवा साथी खास करके जो आज हमारे किसान सोकल युवा के द्वारा ये प्रोग्राम आयोजन किया गया, उनको सोकल साहब को भी धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के नौजवान युवा साथियों के साथ साथ जो हमारी नौजवान युवा बहनी है उनका भी बहुत बहुत योगदान है। जो मेरे सामने हरियाणा के चेहरे है, किन किन का नाम लोग दो चार का नाम ले तो बाकी राजवाणी मेरी बहने, वो जो मेरी बहने हर टाइम के ऊपर हर जगह हर संघर्ष में हमारे से दोस्त बन आगे रहती है, मेरी बहनों का भी धन्यवाद। और नौजवान युवा साथियों से हाथ जोड़ करके अपील करना चाहेंगे कि जो 40 मेंबर कमेटी या सुस्त मोर्चे का जो आह्वान होता है उस
उसी के तहत रह करके आप कार्य करें। जो दोष आप है, जो दूध चाहे लस्सी पहुंचाने वाले मेरे साथी जो गाड़ियों में लगातार अपने घर से 4 बजे उठते हैं तो रात को 10 बजे पहुंचते हैं बगैर पैसा, एक पैसा खर्चा किसी से नहीं लेते। उन सभी साथियों का सिंचाई से हमारे भाई जो भी है उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं आज लंबा नहीं बोलूंगा, मैं आप लोगों का नौजवान मेरे साथियों का जो कॉलेज के अंदर पढ़ाई करते हैं और वो कोरोना महामारी के समय कॉलेज बंद होने के बावजूद पूरे किसानी आंदोलन को समर्पित है, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोगों के आने वाले भविष्य के लिए फसल और नस्ल बचाने के लिए जो आंदोलन चल रहा है, आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। ये जो खिंड के बैठे हुए मेरे ताऊ है, चाचे ताऊ है, ये आने वाले कुछ समय के लिए बच्चों का अगले आपका भविष्य है। ये लड़ाई है किसान साथियों, नौजवान युवा साथियों से अनुरोध करना चाहेंगे कि आप जिस तरह से इस किसानी संघर्ष में 11 महीने से दिन रात घटे हुए हैं, किन किन गांवों को जब क्रांति का घेराव की बात थी, 26 जनवरी को जो आप लोगों ने पूरे देश के नौजवान युवा साथी ने लाखों लाखों की संख्या में ट्रैक्टरों को ऊपर जो बैरिकेड तोड़ने का काम कर रहे धन्यवाद किसान साथियों। मैं वक्ता बहुत ज्यादा है, मैं आपका बच्चा, आपका बेटा, मैं आपका अपने गृह जीवन हूँ, हर बार आपसे मिलता रहता हूँ। जय जवान जय किसान साथी। मैं खास करके मेरी माता शक्ति के लिए जोरदार नारा लगाना चाहूंगा कि जो जींद जिले के हिसार जिले के सभी बॉर्डर 18 बॉर्डर हरियाणा के बीच बोल रहे हैं, तो जींद जिले की हमारी माता शक्ति है उनके लिए दर्द दुर्गा शक्ति। जय जवान जय किसान साथी। धन्यवाद मीन साहब। अब दलजीत सिहाग सिसाई की टीम से जो पूरी टीम पहुंची उसमें से अमित पुरा भाई, एक मिनट में पूरा साहब सबसे पहले तो हमारी यहाँ पर बैठी मातृ शक्ति और मेरी किसान सरदारी सभी को आज जोड़कर राम राम। किसान हाथ मत लगाओ, किसान चलो भाई, सारे 11 महीने का ऊपर लिया टेम है, किसान आंदोलन चलता ना है, सबने बेरा है, हमारी सरदारी पहुंच रही है और संयुक्त मोर्चा के लीडर भी आए हैं, उनसे हमारा टोल का और हमारे जी निसार जिले से एक ही दरगाह से जो भी हो जिस भी तरीके से हमारी सहयोग आ रहा है और